तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एनिमी पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और अगर आप ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस एनिमी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं इस एनिमी को वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। अब चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए इस एनिमी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तमाहिको जो होता है वो टोक्यो के लिए जा रहा होता है। ये जो है टोक्यो इसीलिए जा रहा है क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले अर्थक्वेक आया था। छोटे से गांव में इतनी ज़्यादा तबाही हो गई थी। अब यहाँ पर तमाहिको को लगता है कि टोक्यो तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। और यूजी जो है वो टोक्यो में ही गई है अपनी दोस्त मिदोरी से मिलने के लिए। अब इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और ये जो है टोक्यो के लिए जाना स्टार्ट कर देता है। ये अपने मन में सोचता है कि मैं उसके साथ ही वापस इसी गांव में आऊँगा, यानी वो यूजी के बारे में सोचता है। रास्ते में उसके पढ़ाए हुए बच्चे और रायो मिल जाते हैं। यहाँ पर रायो कहती है कि तमाहिको, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तमाहिको इसलिए जाना चाहती है क्योंकि रायो तारा उसका भाई है, वो भी टोक्यो के अंदर ही काम करता है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। यहाँ जो तमाहिको होता है वो सोचता है कि ये लड़की भी मेरी तरह ही सोच रही है। फिर हम देखते हैं तमाहिको जो होता है इन सभी छोटे बच्चों को कहता है कि जिस जिसका घर तबाह हो गया है वो जो है मेरे ग्रैंडफादर के बनाए हुए जो घर है जिसमें मैं रहता हूँ उसके अंदर तुम सभी बच्चे जो है घायल बंदों को लाकर रख सकते हो, या जिनका घर टूट गया है उनको भी रख सकते हो, वहाँ उनको फूड मिल सकता है। वो बच्चों को प्रॉमिस करता है और बच्चे उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। और ऐसा बोलने के बाद रायो और तमाहिको यहाँ से चले जाते हैं। अब इन्हें पैदल जाना पड़ता है क्योंकि अर्थक्वेक के वजह से ट्रेन भी ख़राब हो चुकी है और सभी ट्रेनें अभी रद्द हो चुकी हैं। यहाँ पर वो कहता है कि हमें लगभग 30 या 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पैदल पैदल। थोड़ी देर के लिए तो रायो भी घबरा जाती है कि वो 40 किलोमीटर कैसे जाएगी पैदल पैदल। तो यहाँ तमाहिको कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकती हो गांव की तरफ। यहाँ रायो कहती है कि मेरा भाई रायो तारा, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, मैं पैदल आराम से चल सकती हूँ। फिर वो दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक मंदिर आता है जहाँ पर वो आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर रायो जो कहती है तमाहिको को कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, तुम्हें यहाँ सोने में दिक्कत नहीं हो रही है क्या? तो यहाँ तमाहिको कहता है कि मैं जो हूँ यूजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये रफ जगह क्या है, मैं तो कहीं भी सो सकता हूँ। फिर तमाहिको रायो से सेम क्वेश्चन करता है, क्या तुम इस रफ जगह पे सो सकती हो? यहाँ पर रायो जो है वो कहती है, मैं अपने भाई रायो तारा के लिए बिल्कुल सो सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मेरा भाई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तमाहिको है वो उसको खाने के लिए देता है और साथ में तमाहिको माफ़ी भी मांगता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ इसे प्रॉपर बनाकर नहीं ला पाया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम इसे खा सकती हो और साथ में मेरे पास अचार भी है तो तुम उसका भी यूज कर सकती हो। यहाँ पर रायो कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस तो है नहीं, तो इसीलिए मैं इसे आराम से खा सकती हूँ। यहाँ पर जो रायो है उस राइस बोल को जब खाती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा उसे टेस्टी इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर से भूखी है और इस समय तो उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो 5-स्टार होटल का खाना खा रही है, शायद इसीलिए उसके आँखों से आंसू आ गए खाने के बाद। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाहिको कहता है कि अरे तुम्हें बहुत अच्छा लगा, मुझे देखकर तुम्हें भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं टोक्यो शहर के। बीच में बहुत सारे गांव आते हैं जो बहुत बुरी तरह से तहस महस हो चुके हैं। बहुत सारे घर जो है वो टूट चुके हैं और बहुत सारी फैमिली जो है वो बिखर चुकी है।
यहाँ ट्रेन जो होता है वो भी पलट चुका है। ये सब देखकर यहाँ पर रायो और तमाहिको दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो सोचते हैं कि हम जो है वो देखना चाहते हैं यूजी को, यूजी कहाँ पर होगी, ऐसा वो दोनों सोच रहे होते हैं। यहाँ तमाहिको को पूरा यकीन होता है कि यूजी अच्छी होगी। ये देखकर यहाँ पर रायो जो होती है वो कहती है तमाहिको को कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा ही टफ हो। तमाहिको कहता है किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती है यूजी मेरे लिए, और मैं जो हूँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अब ट्रस्ट की वजह से मुझे पता है कि वो जो है मेरे साथ ही होगी, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। तमाहिको यहाँ पर यूजी के दिए हुए मफलर को देखता है और कहता है कि वो जो है मुझे हमेशा चेयर अप करती रहती है और मोटिवेट करती रहती है मुझे अपने लाइफ में आगे जाने के लिए। रायो भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, इसीलिए वो दोनों जो है यूजी को ढूंढने चले जाते हैं आगे की तरफ। हम देखते हैं कि वो लोग जो है टोक्यो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, और टोक्यो स्टेशन का हालत जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है। उसे देखकर तमाहिको तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि टोक्यो स्टेशन की ये हालत मैंने कभी नहीं देखी थी, यहाँ बहुत तेज़ वो चिल्लाने लग जाता है यूजी यूजी। अब उसकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ धड़कने लग जाती है, वो बहुत तेज़ चिल्लाता है यूजी। तभी हम देखते हैं उसका मफलर पीछे से एक लड़की पकड़ती है, वो कोई और नहीं उसकी बहन तमाको होती है। उसे देखकर वो जो है बिल्कुल बेहोश ही हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी बहन जो होती है वो उसे मेडिकल में ले आती है, जहाँ पर वो अपनी आँखें खोलता है। यहाँ पर उसके अंकल होते हैं, वो उसे देख कर कहते हैं कि तुम फाइनली उठ गए हो। वो कहता है कि यूजी जिंदा होगी, मुझे पता है, क्योंकि वो जो है सिर्फ यूजी के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके अंकल कहते हैं तुम्हें अभी आराम कर लेना चाहिए, बट वो आराम नहीं करता है और उठकर ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है। तभी उसकी बहन आ जाती है, वो कहती है कि मैं भी उसे ढूंढने में हेल्प करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर तमाहिको, रायो और तमाको जो तीनों हैं वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। रायो अलग डायरेक्शन में जाती है और तमाको और तमाहिको दोनों अलग डायरेक्शन में जाते हैं। वो सभी जगह देखते हैं और सभी जगह बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं, और यहाँ पोस्टर लगा रखा होता है मिसिंग का, तो यहाँ पर वो भी डिसाइड करता है कि मैं भी लगा देता हूँ। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए, बट यहाँ पर तमाहिको कहता है कि जो यूजी है उसकी हाइट जो है इतनी छोटी है, तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा नीचे लगाया है कि उसे दिख जाएगा। यहाँ पर उसका दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब आपके फैमिली मेंबर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है अगर वो घर पे ना आए तो, जैसे अपने मॉम और अपने डैड को होता है। यहाँ पर इसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो सोचता है कि अगर वो मर गई तो मैं भी मरना चाहता हूँ। बट उसकी बहन उसका हाथ पकड़ लेती है, वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो हमेशा जिंदा रहेगी, वो हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती है। तमाको जो होती है वो अपने भाई का हाथ पकड़कर यहाँ से चलना स्टार्ट कर देती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक लेडी जो है यहीं ब्रिज के पास खड़ी है। उन दोनों को लगता है कि ये यहाँ से कूदकर सुसाइड करने वाली है, बट वो जल्दी उसके पास जाते हैं तो वो कहती है कि अरे अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पर प्रे करने के लिए आई थी। और यहाँ पर उसके हाथ में जो होता है आशीर्वाद होता है मंदिर का, वो आशीर्वाद का जो लेटर है तमाहिको ने ही दिया होता है। तमाहिको तुरंत समझ जाता है कि ये जो है मिदोरी ही है। यहाँ पर जो मिदोरी है वो भी समझ जाती है कि इसका नाम जो है तमाहिको है। यहाँ पर वो जो है पूछने लग जाता है कि यूजी कहाँ पर है। मिदोरी कहती है कि मैं उससे अलग हो गई थी, हम दोनों साथ में जा रहे थे पर बहुत सारे लोग डर के भाग रहे थे तो हम लोग अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर जो अपनी वो बहन को कहता है कि तुम मिदोरी को लेकर स्टेशन के पास चली जाओ, जहाँ पर उसका इलाज हो सकता है, इसके पेट में बच्चा होता है इसीलिए वो ऐसा कहता है। तमाको जो होती है वो अपने भाई की बात को मान लेती है, वो मिदोरी को लेकर चली जाती है और कहती है मैं उसका वेट करूँगी यूजी का। हम देखते हैं कि यहाँ पर रात हो जाती है,
तमाही को जो होता है वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो भागते भागते पूरा सुबह हो जाता है, पर उसे अभी तक कोई नहीं मिला। हम देखते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा थॉट को सोच रहा होता है अपने दिमाग के अंदर। वो सोचता है कि जो हमारी यूजी है वो राइस बॉल बनाती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं बट वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। छोटे इसलिए बनाती है क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तभी तमाही को वो गाने की आवाज़ आती है, तो वो देखता है कि यहाँ पर कटोरी जो है वो गाना गा रही होती है। तभी यहाँ पर हकारू आ जाता है। वो कहता है कि मुझसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगा होगा। वो कहता है कि हाँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर हकारू बताता है कि हम लोग जो है हेल्प कर रहे हैं सभी की। कटोरी यहाँ पर खाने के लिए देती है तमाहिको को। तमाहिको खाना खा लेता है और फिर से ढूंढना स्टार्ट करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे घर पे दोबारा ज़रूर आओगी यूजी। यहाँ पर जो तमाहिको है वो राइस बॉल को खा रहा होता है। एक ख़त्म हो जाता है बट वो दोबारा कैसे खाए, उसका तो एक ही हाथ काम करता है। तभी हम देखते हैं एक छोटा बच्चा आता है और उसके हाथों से राइस बॉल को लेकर भागना स्टार्ट कर देता है। उसकी छोटी बहन उसके पीछे पीछे आती है बट तमाहिको के आगे वो गिर जाती है। तमाहिको उसे उठाने लग जाता है। बस उस लड़की का जो बड़ा भाई है वो सोचता है कि ये जो है मेरी छोटी बहन को मारेगा, तो वो जो है जाकर तमाहिको से माफ़ी मांगता है। तमाहिको कहता है अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस राइस बॉल को ले सकते हो, मुझे पता है तुम अपनी बहन के लिए ये सब कर रहे हो। वो दोनों छोटे बच्चे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस राइस बॉल को खाकर। ये जो है अपने घर वालों से दूर हो चुके हैं। तमाहिको को वहाँ घर पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है अपनी बड़ी बहन के साथ रहते हैं बट वो हमारी बड़ी बहन नहीं है। वो जब हम लोग रो रहे थे तो वो लड़की यहाँ पर आई थी और उसने मेरी बड़ी छोटी बहन को ये रिबन दिया था। अब जैसे ही यहाँ पर तमाहिको उस रिबन को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये रिबन जो है वो यूजी का ही है। वो भागते हुए उस घर के अंदर जाता है। यूजी जो है वहीं पर लेटी होती है। यूजी को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है और साथ में वो खुश भी होता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। वो रोने लग जाता है। यहाँ पर उन दोनों छोटे बच्चों को कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर जाओ आगे, जहाँ पर कटोरी जो होगी वो गाना गा रही होगी। तुम उसे मिलकर कहना कि तुम दोनों जो हो मुझसे मिले हुए हो, मेरा नाम तमाहिको है, उसे बोल देना। जिस मफलर को यहाँ पर यूजी ने बनाया था वही मफलर यहाँ पर काम आता है। ये छोटे बच्चों से बोलता है कि मैं जो हूँ इसे अपने हाथ से उठा लेता हूँ, एक हाथ से, तुम लोग जो हो इसे मेरे मफलर से बांध दो। अब वो दोनों बच्चे बांध देते हैं और खुद कटोरी के पास चले जाते हैं। यहाँ पर यूजी को लेकर वो भागना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर भागते हुए तमाहिको सोचता है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी गर्म है और तुम सांस ले रही हो, मुझे पता था तुम जिंदा ही रहोगी मेरे लिए। और ऐसे बोलते बोलते रोते रोते वो चला जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें और लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।